मेरी बड़ी के जान सबूर हो करे पेंच भाषण ध्यान रहे ठीक के ही। नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, आज मैं रोहित श्याम सदन की ओर से भारत अंग्रेजी भाषा को अपनाकर ही भारत का विकास संभव है विषय के विपक्ष में अपने शुक्रवार शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हर एक मनुष्य के पास अपनी भाषा हो, माँ के दूध के आस्वादन के साथ ही हमारे कार्य में भाषाओं की मिश्रित होती है और हम कुछ बोलने में समर्थ हो पाते हैं। शायद इसलिए इस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं और उसके साथ एक प्रेम और आदर की भावना से जुड़ते हुए एक जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर हम अंग्रेजी की ओर ध्यान देते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आने वाली पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होगा। गर्व एक बार वो जो अंग्रेजी जानता है और दूसरा बार वो जो अंग्रेजी नहीं जानता, केवल मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को जानता है और उस पर शासन होता है। वो मजदूर होता है, ग्रामीण होता है, किसान होता है आदि। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद जो संस्कृत में लिखित है उनका निर्माण भी भारत में ही हुआ। आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज भी भारत में ही हुई, किंतु वर्तमान में आज हम मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की घोर विरोधी बनते जा रहे हैं और अंग्रेजी भाषा का प्रेम पास में कैद होते जा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा और किसी अन्य भाषा को का ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी माँ को धुतकार कर किसी दूसरे की माँ को अपना बनाना भी कहाँ तक महत्व है। एक भाषा के पीछे एक भाषा का समाप्त होना केवल उस भाषा की समाप्त होना नहीं होता, बल्कि एक भाषा के पीछे उसकी एक संस्कृति, सभ्यता और समुदाय का समाप्त होना होता है। एक भाषा के पीछे सदियों का अनुभव, सदियों की मेहनत, संघर्ष, जीवन, मृत्यु, आंसू आदि होता है। आशा करता हूँ कि आपको आप अपने मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को उचित समान दर्जा दें। धन्यवाद।